प्रदेश की खास खबरों के साथ। ज्वालापुर क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध खनन मटेरियल स्टॉक कर सप्लाई किया जा रहा है, जिस पर खनन अधिकारी रवि नेगी ने कहा कि खनन के स्टॉक के लिए आवेदन कर जिलाधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के अगर कोई भी खनन का स्टॉक करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमावली के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड भंडारण नियमावली 2021 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी रिटेल स्टॉक करना चाहते हैं वो प्रॉपर आवेदन करेंगे, उनके आवेदन के निस्तारण के उपरांत जिलाधिकारी के स्तर से 5 साल की भंडारण की अनुमति उनको प्रदान की जाएगी। ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना अनुमति के कोई भंडारण करना, यदि ऐसा कोई कर रहा है, हमारे संग करना आता है, तो उसी नियमावली में दिए गए प्रावधानों के तहत उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत ही अर्थदंड आरोपित किया जाए। कई देखिए, मेरे संज्ञान में तो मामला कई वर्षों से तो नहीं है, मैं संज्ञान में अगर मामला आता है तो तत्काल निस्तारण के लिए निकल पड़ूंगा। मेरे संज्ञान में आपके द्वारा आज ये मामला लाया गया है, इस पर तत्काल कार्रवाई हम करते हैं।